महिला समानता की बात करें तो आज के युग में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी महिलाएं किसी पुरुष से पीछे नहीं है। आज की महिलाएं हर वो कार्य कर सकती हैं जो किसी समय में पुरुष किया करते थे। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक महिला से जो कि पुरुष प्रधान देश को दरकिनारा करते हुए यह कार्य कर रही है। और मुझे महिला पुरुष पे किसी प्रकार के भी भेदभाव नजर नहीं आते। रियल नेम है सुनीता सेन, निक नेम है सोनू सेन। मैं ग्राम पंचायत की कौन हूँ और बचपना में मेरा रेंट पे शौक है। ये काम मैंने बचपन से ही सीख गया था। स्टूडेंट सिक्स क्लास में थी सर, तब से ही काम कर रही हूँ। अभी सेकंड ईयर में है सर। शॉप में काम करते करते कॉलेज का भी काम और पढ़ाई कर रही हूँ। अभी सर दिक्कत तो होती है सर, लेकिन लोग अब मुझसे इतना मिल जुल चुके हैं सर, तो वो भी कंफर्ट रहते हैं, मैं भी तो आसानी हो जाता है। मगर कुछ लोग होते हैं जो सोच में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं उस चीज के लिए, क्योंकि हमको अपना काम करना है, लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखना। पापा अकेले रहते थे सर, हम लोग तीन बहन है एक भाई है। पापा अकेले हैं, सैलून चला के पूरे इतने बड़े परिवार को पालना, तो लगा मुझे कि पापा अकेले इतना मेहनत करते हैं तो मुझे भी थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए। तो फिर लग गया धीरे धीरे। पापा की तो चिपाउंड में है और मैं यहाँ पे हूँ बफना में। चिपाउंड में मेरी शॉप है जहाँ पे लगभग मैंने 15 साल काम किए हैं पापा के साथ, साथ में ही रह के। और मुझे लगा कि अब बिजनेस को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने चिपाउंड से 6 किलोमीटर आगे बफना एक गाँव है वहाँ पे मैंने और एक शॉप खोली है, जिसमें अभी मैं हूँ, मैं अकेली चला रही हूँ। सर इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पार्ट टाइम टाइम मिल जाता है तो मैं पढ़ाई थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा बिजनेस ही है। बिजनेस के अलावा और कोई काम नहीं है सर। शासन के प्रति क्या कहूँ सर, वो तो कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं, ये चीज तो है। लेकिन अब क्या करोगे, अब लोगों की सोच है, जिसको अच्छा लगता है मेरे पास आते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता वो नहीं आते सर। पर मुझे लगता है कि महिला हर कार्य कर सकती है। और महिला आज की डेट में क्या नहीं है, ट्रेन चला रही है, प्लेन उड़ा रहे हैं, इंडियन आर्मी में है। कोई भी महिला पुरुष से कम नहीं है सर, बस उनको हौसला चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, और किसी भी कार्य को करने से मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये कार्य छोटा है, और झिझकपन नहीं आना चाहिए। हर कार्य बस अपने सही रह के करिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही कोई काम गलत होता। तो मुझे तो ये लगता है कि सारी महिलाओं को अपने से जो बनता है, जो कार्य उनसे हो पाता है, वो बिल्कुल भी कर सकते हैं। आ जाता है सर, रोजी रोटी निकल जा रहा है, कभी आ जाते हैं 700-800, कभी 1000 आ जाते हैं, कभी 500 ही आ जाते हैं। जिंदगी अच्छे से चल रही है सर। और सर कस्टमर तो ऐसे हैं कि लग गए तो एक साथ कंटिन्यू लग जाते हैं, और नहीं लगते तो बैठे रहो घंटों। और अभी सर सीजन भी है हमारा, कभी सावन है कभी नवरात्रि है, फिर भी चलते रहता है काम, रुकता नहीं है। इक्का दुक्का करके भी रोजी रोटी निकल जाता है, बन जाता है सर। जी सर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इस काम से, बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि ये सर मेरा, ये हमारे पूरे परंपरा वाली धंधा है सर। और मुझे गर्व है इस मतलब कि मैं इस समाज में हूँ, मेरे नई समाज में हूँ, और मैं इस काम को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। इस वीडियो को देखने वालों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं खीरेंद्र यादव, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।